सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ महाट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट टू है। पार्ट वन में हम लोगों ने ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज जी ऑफ एस एच ऑफ एस। यहाँ पे इन्होंने दिया है ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप वाला। द सेंट्रोइड एंड द एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आर। ओके, तो ये रूट लोकस का क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोगों को सेंट्रोइड एंड एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को सिर्फ रियल पार्ट ही कंसिडर करना है सेंट्रोइड के फॉर्मूला में। और डिनोमिनेटर में आते हैं नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज। ओके, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ पोल्स यानी कि जो डिनोमिनेटर में उसका रियल पार्ट क्या आएगा उसका समेशन करना है हमें। तो एक जो पोल है वो ओरिजिन पे है यानी कि जीरो प्लस एस प्लस टू यानी कि ये पोल रहेगा वो माइनस टू पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एस प्लस टू इक्वल टू हम लोग जीरो करते हैं। और जो दूसरा पोल रहेगा वो रहेगा माइनस फोर पे। करेक्ट, ये होगा माइनस और समेशन ऑफ जीरो। तो जीरो हमें सिर्फ एक ही दिखेगा जो है एस इज इक्वल टू माइनस वन पे। तो ये होगा माइनस वन पे एक जीरो एग्जिस्ट करेगा और डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज। तो देर आर थ्री नंबर ऑफ पोल्स एंड सिर्फ एक ही जीरो है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एडिशन करके देखते हैं। ये हो जाएगा माइनस टू माइनस फोर एंड प्लस वन डिवाइडेड बाय टू यानी कि ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट फाइव। तो माइनस टू पॉइंट फाइव पे हमारा जो सेंट्रोइड है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स इसका फॉर्मूला होगा टू क्यू प्लस वन इंटू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय अगेन नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ओके, और जो क्यू का वैल्यू है वो हम लोग जीरो वन टू एंड सो ऑन हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे जितने नंबर ऑफ पोल माइनस जीरोस रहेंगे उतने हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे पी माइनस जेड यानी कि पोल माइनस जीरो का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी मिल गया है जो दो है। तो यानी कि हम लोग सिर्फ दो बार ही वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे क्यू का वैल्यू वन क्यू का वैल्यू जीरो एंड क्यू का वैल्यू वन। ऐसे टोटल दो वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर क्यू का वैल्यू हम लोगों ने जीरो सब्सिट्यूट किया फॉर q इज इक्वल टू जीरो अगर हम लोगों ने सब्सिट्यूट किया तो एंगल का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? ये होगा कैंसल आउट हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हमें मिलेगा ये 90 डिग्रीज पे। और दूसरा अगर हम लोगों ने q इज इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180 यानी कि 540 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। ओके, तो हमें दो जो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स है वो मिलेंगे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री और जो सेंट्रोइड का वैल्यू है वो माइनस 2.5। तुम लोगों को ऑलरेडी आंसर है वो मिल गया है, ऑप्शन सी है माइनस 2.5 90 डिग्री एंड 270 डिग्रीज। ओके, तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स मतलब क्या होते हैं? देखो यहाँ पे जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे तीन पोल्स है और यहाँ पे एक जीरो है। तो हमारा जो रूट लोकस है वो स्टार्ट होता है पोल से और टर्मिनेट होता है जीरो पे, जो नॉर्मल रूट लोकस की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे तीन पोल्स है और एक जीरो है। तो इसमें से जो एक पोल रहेगा वो ये जीरो पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास दो एडिशनल जो पोल्स है वो जीरो पे टर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये जो पोल्स रहेंगे वो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि वो इन्फिनिटी पे जाके वो टर्मिनेट होंगे वहाँ पे। इसलिए हम लोग जो असिम्प्टोट्स है ना कि उसका जो एंगल रहता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जो रूट लोकस है वो पाथ अपना बनाएगा या फिर जो लोकस अपना बनाएगा टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। तो ये 90 डिग्री और 270 डिग्रीज की तक यहाँ पे जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसका रूट लोकस है वो कैसे आ सकता है। हम लोग एक टेंटेटिव यहाँ पे आइडिया लेंगे। तो यहाँ पे एक पोल है वो जीरो पे रहेगा, उसके बाद एक वन पे है यहाँ पे माइनस वन पे एक जीरो रहेगा, उसके बाद टू एंड फोर पे। ओके, यहाँ पे रहेगा ये टू पे माइनस टू पे एंड माइनस फोर पे ये दूसरा जो पोल है वो रहेगा यहाँ पे। ओके, तो हम लोग जो रूट लोकस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो ऑड नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। यानी कि जिसके राइट साइड में सिर्फ ऑड नंबर ऑफ पोल्स है फिर जीरो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यानी कि ये जो ब्रांच है ये रूट लोकस का रहेगा और ये दो और चार के बीच में जो ब्रांच है वो रूट लोकस का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिन पे जो पोल है वो टर्मिनेट होगा यहाँ पे जीरो पे। ओके, यहाँ पे जाके ये टर्मिनेट होगा और जो टू और माइनस टू और माइनस फोर के जो दो पोल्स है वो टूवर्ड्स द इन्फिनिटी 270 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज पे यानी यहाँ के ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे ये हो गया 270 डिग्री। तो ये जो पोल बनेंगे यहाँ पे आ जाएंगे
एक दूसरे के टकराएंगे और ब्रेक अवे होके यहाँ पे एक जो पोल है वो टूवर्ड्स 90 डिग्री चला जाएगा, और जो दूसरा पोल है वो टूवर्ड्स द 270 डिग्री है वो चला जाएगा। ओके तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स कैसे आएंगे, पी माइनस थ्रेड से हम लोग पता कर सकते हैं। तो अगर दो रहेंगे तो फिक्स वो 90 डिग्री 270 डिग्री पे ही जाएंगे। अगर सिर्फ एक एंगल ऑफ असिम्प्टोट रहेगा तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट वहां पे वो कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर कौन से एंगल पे चला जाएगा। अगर सिर्फ एक रहेगा तो, यानी कि हमारे पास दो पोल्स है और एक जीरो है, तो उस वक्त वहां पे जो पोल है वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगा, ये आप वहां पे नीचे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लीड कंपनसेटर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू कैन प्रोवाइड अ मैक्सिमम फेज शिफ्ट ऑफ। ओके तो सबसे पहले हम लोग कंपनसेटर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कैसा होता है लीड कंपनसेटर एंड लैग कंपनसेटर। तो लीड कंपनसेटर का जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। यहाँ पे सी और आर वन है वो पैरेलल में है, और जो हम लोग आउटपुट लेते हैं वो आर टू के अक्रॉस लेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है अल्फा। ओके तो अल्फा का वैल्यू है वो हम लोग लेस देन वन कंसिडर करते हैं, जिसका वैल्यू होता है आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। ओके यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ चेंज करके, ये हो जाएगा आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है वो हमेशा हमें लेस देन वन मिलता है। अगर हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन लेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, करेक्ट। तो हम लोग ये आर टू का यहाँ पे ऊपर लेंगे, कंसिडर करेंगे यहाँ पे लाप्लास में कन्वर्ट करके, और इनपुट में हम लोग ये जो टोटल कंसिडर, यानी ये दोनों का पैरेलल में प्लस आर टू, ये हम लोग इनपुट में यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ऐसे हम लोग अगर ट्रांसफर फंक्शन इसका फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा हमें यहाँ पे मिलेगा। ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टाउ एस प्लस वन डिवाइडेड बाय अल्फा टाउ एस प्लस वन। ओके यहाँ पे हमें ऊपर न्यूमरेटर में अल्फा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे एक्चुअल में मिलता है, लेकिन हम लोग वो एलिमिनेट कर सकते हैं अगर एडिशनल इक्वलाइजिंग सर्किट हम लोगों ने वहाँ पे कनेक्ट कर दिया वन अपॉन अल्फा का। तो ये जो फैक्टर है हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये अनवांटेड जो पैरामीटर वो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है लीड के केस में। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फा का और टाउ का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। लीड कंपनसेटर में बेसिकली होता क्या है, लीड कंपनसेटर में टू नियर द ओरिजिन एक्सिस हमें जो जीरो है वो मिलता है, और एक जो पोल रहेगा वो हमें टू अवे अवे फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ पे मिलेगा। ओके तो इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा, जो जीरो का वैल्यू हमें यहाँ पे दिख सकते हो, वन माइनस टाउ इसका वैल्यू हमें मिलेगा अगर जीरो हमें यहाँ से मिलेगा, और अगर पोल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा माइनस वन डिवाइडेड बाय अल्फा टाउ। ओके और अल्फा का वैल्यू लेस देन वन है, तो इसलिए जो पोल का एक्चुअल निगेटिव में वैल्यू है वो हमें ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द जीरो। तो लीड कंपनसेटर रहता है उसे हम लोग जीरो डोमिनेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जीरो है वो ओरिजिन के बहुत नजदीक है, और जो कोई भी ओरिजिन के सबसे नजदीक रहेगा वो डोमिनेटिंग इन नेचर रहता है। तो यहाँ पे लीड कंपनसेटर में जो जीरो रहेगा वो ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। ओके यहाँ पे टाउ का वैल्यू कितना आता है ये मैं बता देता हूँ एक बार, जो टाउ का वैल्यू हमें मिलेगा वो रहेगा आर वन सी। ओके जहाँ पे कैपेसिटर रहेगा उसके नजदीक वाला जो रेजिस्टर रहेगा वही हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी कि यहाँ पे सी और आर वन एक साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो टाउ का वैल्यू रहेगा वो आर वन सी हमें मिलेगा। अल्फा का वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी है वो लिख दिया है, तो इससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको पोल और जीरो देंगे तो उससे भी आप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हो, अगर आपको ये देंगे सी और आर वन का वैल्यू देंगे तो उससे भी आप जो ट्रांसफर फंक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो लैग कंपनसेटर में एक बार देख लेते हैं। लैग कंपनसेटर में हम लोग जो फैक्टर कंसिडर करते हैं वो बीटा कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर टू। ओके आपको ये ध्यान में रखना है आर वन कौन सा लिया है, आर टू कौन सा लिया, आर टू हम लोगों ने आउटपुट साइड की तरफ ही लिया है। यहाँ पे भी जो टाउ का वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी कि जो टाइम कॉन्स्टेंट रहेगा टाउ, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे आर टू सी। जैसे मैंने कहा था जो कैपेसिटर के नजदीक वाला रहेगा वही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसका अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लेंगे तो इसका ट्रांसफर फंक्शन भी हमें कुछ सेम दिखाई देगा, टाउ एस प्लस वन डिवाइडेड बाय बीटा टाउ एस प्लस वन। ओके और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बीटा का वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है तो अगर हम लोग इसका पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो पोल रहेगा वो नियर द ओरिजिन रहेगा, और जो जीरो रहेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा। तो यहाँ पे हमें जो पोल का वैल्यू मिलेगा, तो पोल का वैल्यू कितना है, माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा टाउ। ओके और जीरो का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस वन डिवाइडेड बाय टाउ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीटा का वैल्यू इज ग्रेटर देन वन है। तो अगर हम लोग इसको डिनोमिनेटर में कंसिडर किया तो वहाँ पे पोल का वैल्यू है वो माइनस में कम मिलेगा, यानी कि टूवर्ड्स द ओरिजिन, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये पोल डोमिनेटिंग सिस्टम है। ओके यहाँ पे मैं चाहे तो लिख देता हूँ, ये हो जाएगा पोल डोमिनेटिंग सिस्टम, पोल डोमिनेटिंग सिस्टम। तो लैग कंपनसेटर और लीड कंपनसेटर से हम लोग जो एक फिक्स वैल्यू ऑफ जो मैक्सिमम फेज शिफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं उसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन फाइव मैक्स, यानी कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम लोग फेज शिफ्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम लोगों ने ये आर वन आर टू और सी अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया तो।
तो इसका वैल्यू होता है 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ओके, ये होता है लैग कंपनसेटर के केस में। बीटा का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो बीटा का वैल्यू है यानी कि जो फेज शिफ्ट है वो हम लोग सिर्फ R1 और R2 पे ही डिपेंड कर रहा है, वो कहीं पे भी कैपेसिटर के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आपको शायद ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फाइव एक्स का वैल्यू है फिर मैक्सिमम फेज शिफ्ट है वो कैपेसिटर पे डिपेंड करता है या फिर रेजिस्टर पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ये लैग कंपनसेटर के लिए हुआ, सिमिलरली लीड कंपनसेटर के लिए भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। साइन फाइव एक्स का वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। ओके, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। सेम बीटा की जगह पे सिर्फ अल्फा यहाँ पे है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें यही क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया था कि ये लीड कंपनसेटर है, ट्रांसफर फंक्शन इन्होंने दिया है, सो मैक्सिमम फेज शिफ्ट यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलेगा ये पर्टिकुलर अगर कंपनसेटर डिजाइन है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे जो अपना स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है उसके हेल्प से, टाउ एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा टाउ एस प्लस 1। यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा कि जो टाउ का वैल्यू है वो हमें मिलेगा 0.12 और जो अल्फा टाउ का वैल्यू है वो कितना है 0.04 के। तो इससे हमें अल्फा का वैल्यू मिलेगा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.12 विच इज इक्वल टू 1/3। ओके, जैसे मैंने अभी कहा था कि जो फाइव एक्स का वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा साइन फाइव एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली सब्सिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि ये 2 और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 4। ओके, ये हो जाएगा 1/2। और अगर हम इससे फाइंड आउट करेंगे फाइव एक्स का वैल्यू तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, वो होता है 30 डिग्रीज। करेक्ट, तो हमें वो ये पर्टिकुलर सर्किट से यानी कि अगर ये पर्टिकुलर वैल्यूज का अगर हम लोगों ने लीड कंपनसेटर डिजाइन किया तो मैक्सिमम हमें सिर्फ 30 डिग्रीज ही यहाँ पे फेज शिफ्ट है वो उससे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये डिपेंड करता है सिर्फ रेजिस्टर्स के वैल्यू पे, R1 और R2 पे, कैपेसिटर पे ये डिपेंड नहीं करता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इससे अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है तो आप जो लीड कंपनसेटर का क्या एडवांटेजेस होता है या फिर लैग कंपनसेटर का क्या एडवांटेजेस होता है, उसमें गेन कैसे इंक्रीज होता है, जो स्टेबिलिटी होती है वो कहाँ पे इंक्रीज होता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट एरर पे यहाँ पे क्या डिफाइन होता है या फिर उसे हम लोग बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर कैसे वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख सकते हो। इसे शायद क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम दिया है और सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए से लेके बी तक। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम लोग मैसन्स गेन फार्मूला है वो यूज करते हैं। मैसन्स गेन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। मैसन्स गेन फार्मूला जो होता है वो होता है समेशन ऑफ पी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल। ओके, जो पी होता है वो फॉरवर्ड पाथ रहता है, डेल के और डेल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ कितना है, ए से लेके बी तक, जिसे हम लोग पी कहेंगे, P1। तो फॉरवर्ड पाथ है ए से लेके बी तक, एक ही फॉरवर्ड पाथ हमें दिखाई देता है तो वो उसका वैल्यू है 3। ओके, डेल का वैल्यू कितना होता है, डेल 1 जिसे हम लोग कहेंगे वो होता है 1 माइनस जो लूप्स रहेंगे, यहाँ पे लूप भी चाहिए तो मैं एक बार लिख लूंगा। यहाँ पे लूप कितना है, सेल्फ लूप है सिर्फ एक हम लोगों को दिखाई देगा, बी पे है, इसका वैल्यू है -3। करेक्ट, तो यहाँ पे होता है 1 माइनस लूप जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ही लूप है और ये जो फॉरवर्ड पाथ है यानी कि ये जो फॉरवर्ड पाथ है इसको ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ जो पाथ टच नहीं कर रहा है फॉरवर्ड पाथ को वही हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है डेल 1 में। इसलिए इसका वैल्यू 1 मिलेगा डायरेक्टली, और जो डेल का वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस जितने भी जो लूप होते हैं सिंगल लूप्स उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे एक ही लूप है, इसका वैल्यू रहेगा -3, तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो ट्रांसफर फंक्शन है वो लिख लेंगे यहाँ पे मेसन्स गेन फार्मूला से। तो हो जाएगा P1 डेल 1 डिवाइडेड बाय डेल। P1 का वैल्यू कितना हम लोगों को मिल गया है 3, डेल 1 का वैल्यू है 1 और डिनोमिनेटर में डेल का वैल्यू है 4। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हमको मिल गया विच इज इक्वल टू 3/4। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन ये वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ के केस में हम लोग जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसे हम लोग ट्रांसमिटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो कंफ्यूज मत होना, ये एपी जेनको का क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टाइप 2 सिस्टम हैज अ 0 स्टेडी स्टेट एरर फॉर। तो हम लोगों ने चार्ट है वो लास्ट लेक्चर में देखा था ऑलरेडी, जो पार्ट 1 में कवर किया था। तो टाइप 2 सिस्टम यानी कि यहाँ पे
इसके बारे में बात होगी। तो टाइप टू सिस्टम में हमें जो जीरो स्टेडी स्टेट एरर है वो कहाँ पे मिलेगा, तो हम लोग देख सकते हैं स्टेप इनपुट पे और रैंप इनपुट पे, दोनों जगह पे हमें जो जीरो है वो स्टेडी स्टेट एरर मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन है रैंप इनपुट, तो ये नहीं रहेगा। पैराबोलिक इनपुट के लिए हमें जो फाइनाइट वैल्यू मिलता है, स्टेप इनपुट ओनली नहीं, हमें रैंप और स्टेप दोनों के लिए मिलता है। और ऑप्शन सी है बोथ रैंप एंड पैराबोलिक, नहीं। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन है वो गलत है। सिर्फ रैंप इनपुट, सिर्फ स्टेप इनपुट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, हमें दोनों है वो वैल्यू कंसिडर करना रहेगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है वो रॉन्ग है, हमें स्टेप इनपुट के लिए भी मिलता है और रैंप इनपुट के लिए भी हमें मिलता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय सी ऑफ टी इज इक्वल टू 4 + 3t - 4 × e^(-t). द सिस्टम हैज अ फॉलोइंग पोल्स एंड जीरोस। ओके, तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स हम लोगों को फाइंड आउट करना, यानी कि यूनिट इनपुट हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, स्टेप इनपुट दिया है और इसका आउटपुट है वो हम लोगों को यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सी ऑफ एस यहाँ पे लिख लेंगे। तो सी ऑफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का अगर हम लोग लैपलेस लेंगे यानी कि कॉमन, तो 4 × ut हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/s प्लस 3t का होता है 3/s² एंड माइनस 4 का वैल्यू 4 × e^(-t) का होता है s+1। ओके, क्योंकि e^(-at) का होता है, e^(-at) का हो जाएगा यहाँ पे लैपलेस 1/s+a और a का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 1 कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम लोग सी एस का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कितना हो जाएगा, तो कॉमन करेंगे बेस, तो ये हो जाएगा 4s + 3/s² - 4 × s+1। ये सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 4s + 3, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा s+1 - 4s² / s² × s+1। ये हो जाएगा 4s² + 4s + 3s + 3 -4s² और डिवाइडेड बाय हो जाएगा s² × s+1। से 4s² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7s हो जाएगा, हाँ 3 + 7s / s² (s+1)। ठीक है, तो ये सिर्फ सी एस का वैल्यू मिला है, हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर पोल और जीरो फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम लोग सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आर ऑफ एस कितना वैल्यू मिलेगा हमें, आर एस का वैल्यू कितना होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी, स्टेप इनपुट दिया है ना, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी होता है 1/s। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो सी ऑफ एस का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 3 + 7s / s² (s+1)/1/s। ओके, तो ये s और यहाँ से s है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा 7s + 3/s (s+1)। ओके, तो ये हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो जीरो मिलेगा हमें, तो ये कितना मिलेगा, जीरो का वैल्यू हमें मिलेगा s = -3/7 और जो हमें पोल्स मिलेंगे वो दो पोल्स मिलेंगे s = 0 पे, यानी कि ओरिजिन पे मिलेगा, और s = -1, टोटल दो पोल्स हमें मिलेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, 1 pole at origin, 1 pole at -1 and 1 0 at -3/7। तो ऑप्शन ए हम लोगों को यहाँ पे मिल गया करेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। सिर्फ आपको देखना है कि इनपुट कौन सा दिया है और सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस ही करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इफ द डैम्पिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 1 द रूट्स विल बी। ओके, तो हम लोग डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं कैसा होता है, रूट्स का कहाँ पे लाई करेंगे तो हम लोग इजिली समझ जाएंगे। तो अगर जेड जे ओमेगा एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे अगर इमेजिनरी एक्सिस, जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होगा जे ओमेगा, ये हो जाएगा रियल एक्सिस, ये है टोटल एस प्लेन। ओके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या है, ये टोटल एस प्लेन है जिससे रियल एक्सिस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे है। तो अगर जो पोल्स है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे तो यहाँ पे ये ऑसिलेटरी नेचर होता है, जहाँ पे जो जीटा का वैल्यू होता है वो होता है एग्जैक्ट जीरो, जिसे हम लोग कहेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। उसके बाद अगर जो पोल्स है वो यहाँ कहीं पे लाई करेंगे, ओके, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो पोल्स है वो कुछ इस तरह से लाई करेंगे, जिसका इमेजिनरी जो वैल्यू रहेगा वो डिफरेंट रहेगा प्लस और माइनस, लेकिन जो रियल वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ पोल्स हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जीटा का वैल्यू है वो हो जाएगा <1/1, जिसे हम लोग कहते हैं अंडर डैम्प ऑसिलेशन। अगर जो पोल्स है वो एग्जैक्टली एक ही जगह पे अगर दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है क्रिटिकल ऑसिलेशन, या फिर क्रिटिकल डैम जिसे हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे जीटा का वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 रहेगा, और अगर जो पोल्स रहेंगे वो एक पोल यहाँ पे मिलेगा और जो दूसरा पोल है वो यहाँ पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये S1 और S2,
ऐसे अगर दो पोल्स डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे तो ये पर्टिकुलर केस पे हमें जो जीटा का वैल्यू रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये डायग्राम है वो समझ लेना, अगर आपको पता नहीं होगा तो ड्रॉ कर लेना, इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ लेफ्ट साइड पे हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टेबल सिस्टम के बारे में ही मैक्सिमम टाइम कंसिडर करेंगे, तो राइट साइड वाले जीटा कहाँ पे लाई करेंगे हम लोग अभी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जीरो यानी कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन यहाँ पे हमें मिलता है इमेजिनरी एक्सिस पे, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 पे कहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है डैम्पिंग रेशियो यानी कि जीटा इज ग्रेटर देन 1, इन्होंने यहाँ पे पूछा है ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेटर देन 1 वाला केस यहाँ पे, यानी कि ये है ओवर डैम्पिंग। ओके, अंडर डैम्प होता है, क्रिटिकल डैम्प होता है, ओवर डैम्प होता है, तो यहाँ पे इन्होंने ओवर डैम्पिंग के केस में पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रूट्स है वो रियल है बट नॉट इक्वल है। ओके, ये हो जाएगा रियल बट नॉट इक्वल, ये हो जाएगा जीटा ग्रेटर देन 1, इमेजिनरी माने जीटा इज इक्वल टू 0 जे ओमेगा एक्सिस, रियल एंड इक्वल मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग यानी कि जीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि जीटा इज लेस देन 1 यानी कि जिसे हम लोग कहेंगे अंडर डैम्पिंग। ओके, ये यूकेपीएससी में पूछा गया था ईयर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू नाइक्विस्ट एंड बोडे एनालिसिस। ओके, तो ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन अ राइट हाफ एस प्लेन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग अ नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। करेक्ट है, हम लोग जितने नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पे हमें मिलेंगे पोल्स उससे हम लोग फाइंड आउट करके सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, और ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जितने नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये इनकरेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है बोडे एनालिसिस यूजेस टू प्लॉट्स, वन फॉर मैग्नीट्यूड एंड अनदर फॉर द फेज एंगल। करेक्ट, बोडे प्लॉट में हम लोग दो प्लॉट्स ड्रॉ करते हैं, एक बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक बोडे फेज प्लॉट, तो दोनों से हम लोग जो बोडे प्लॉट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है नाइक्विस्ट एनालिसिस यूजेस टू प्लॉट्स, वन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड अनदर फॉर द फेज एंगल, ये रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाइक्विस्ट प्लॉट में हम लोग सिर्फ एक ही प्लॉट है वो ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे जो कोई भी मैग्नीट्यूड और जो फेज है वो हम लोग सेम ही प्लॉट में ड्रॉ करते हैं। एंड द ऑप्शन डी है यहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी कैन बी असेस्ड फ्रॉम बोथ नाइक्विस्ट एंड द बोडे एनालिसिस। करेक्ट, रिलेटिव स्टेबिलिटी हम लोग दोनों प्लॉट से वो फाइंड आउट कर सकते, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत आंसर हो जाएगा। ये भी एपी जेनको का ही क्वेश्चन था, तो इसके लिए सिर्फ ड्रॉ करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, इसका यूज क्या है, इससे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट है वो चीजें हैं वो फाइंड आउट करते हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लैग लीड कंपनसेटर। ओके, तो यहाँ पे दिया है सिमिलर टू द पाई कंट्रोलर बैंड पास फिल्टर सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद 1-0 एंड 2 पोल्स एंड इट एक्ट्स एज अ बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो जैसे मैंने कहा था लैग लीड फिल्टर कैसे होता है, हम लोग देखते हैं लैग लीड कंपनसेटर। तो लैग कंपनसेटर क्या होता है, जैसे मैंने कहा था लैग कंपनसेटर माने जहाँ पे जो पोल रहेगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा। ओके, ये होता है लैग के लिए। लीड के लिए कैसा होता है, लीड के लिए जो जीरो रहेगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, यानी कि ये रहेगा जीरो के लिए कि ये होगा लीड के लिए, और हमें पूछा है लैग और उसके बाद है लीड कंपनसेटर। तो हम लोग ये जो दोनों डायग्राम है वो एक साथ यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले लैग है, तो लैग का हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो लीड का है वो हम लोग सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे ओरिजिन के नजदीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा लैग, ये हो जाएगा यहाँ पे लीड, तो ये हो जाएगा लैग लीड कंपनसेटर, हमें ऐसा ही पढ़ना है। अगर आप वो अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आपका आंसर है वो गलत आंसर है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिल्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें जो फिल्टर है वो हमें इस तरह से कुछ दिखाई देगा, जहाँ पे जो पोल्स है वहां से जो फ्रिक्वेंसीज है वो पास हो जाएंगी, यानी कि ये पर्टिकुलर जोन पे, जीरो पे जो फ्रिक्वेंसीज है वो ब्लॉक हो जाएंगी, और अगेन जो पोल्स पे जो फ्रिक्वेंसीज है वो यहाँ पे पास हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिडल वाला पोर्शन है ये वाला जोन में यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज है वो ब्लॉक हो रही है, और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे और टूवर्ड्स राइट साइड पे जो फ्रिक्वेंसीज है वो पास होंगी, यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। करेक्ट, क्योंकि एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के लिए ही यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज है वो ब्लॉक हो रही है, यानी कि बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली लैग लीड की जगह पे अगर हम लोगों ने लीड और लैग कंपनसेटर यूज किया तो यहाँ पे कौन से टाइप का फिल्टर है वो बनेगा, आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम द टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी। तो नोड्स है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और आप वहां से नोड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको पता रहेगा वो डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे एक सिग्नल फ्लो ग्राफ पे यहाँ पे अगर समिंग पॉइंट है तो यहाँ पे एक नोड बनेगा,
उसके बाद टेक ऑफ पॉइंट पे एक नोड बनेगा, उसके बाद वापस से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये G1 का वैल्यू है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ये G1 का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे और एक टेक ऑफ पॉइंट है, ये वापस फीडबैक की तरह यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, और उसके बाद अगेन यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है, समिंग ब्लॉक है। तो इससे हमें देख सकते हैं कि टोटल जो चार यहाँ पे जो नोड्स है वो हम लोगों को मिल गया है। यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ये G1, ये G2 का वैल्यू है, और यहाँ से इन्होंने लिया है एक फीडबैक, यहाँ से लिया है फीडबैक जिसका वैल्यू है -H1। ओके, क्योंकि माइनस निगेटिव फीडबैक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव फीडबैक है, और जो फॉरवर्ड पाथ है G2 ये प्लस है, तो यहाँ पे मैंने G2, G1 और H1 यहाँ पे लिखा है। ये हो जाएगा R(S) और ये हो जाएगा यहाँ पे C(S). तो टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल चार नंबर ऑफ यहाँ पे नोड्स है, तो इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा आप एक बार ट्राई कर लेना, और अगर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर देना। ओके, तो ये भी UPSC का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर अ गिवन पॉइंट इन द एस प्लेन लाइज ऑन द रूट लोकस ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो ये सेम हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन है वो देखा था, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और एंगल क्राइटेरिया से रिलेटेड। डेफिनेशन हम लोग वापस एक बार चेक कर लेंगे, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि रूट लोकस पे जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट, इट लाइज ऑन द रूट लोकस और नॉट। तो ये हम लोग किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे यूज ऑफ द एंगल कंडीशन क्या होता है, द कॉमन यूज ऑफ द एंगल कंडीशन इन रूट लोकस टू टेस्ट एनी पॉइंट इन द एस, यानी कि वो रूट लोकस पे लाइक करेगा कि नहीं लाइक करेगा, ठीक है, द गिवन पॉइंट एग्जिस्ट और नॉट। ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं एंगल कंडीशन से। ओके, और जो मैग्नीट्यूड कंडीशन से हम लोग जो वैल्यू ऑफ के है, गेन का वैल्यू है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंगल क्राइटेरिया ओनली। ओके, सिर्फ एंगल क्राइटेरिया के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एपीजेनको का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ F(S) इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ F(T) देन F(∞) इज गिवन बाय। तो ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, क्या होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम यानी कि स्टार्टिंग में उसका वैल्यू कितना रहेगा, तो ये होता है लिमिट्स टी टेंड्स टू जीरो। ओके, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो नाम दिया है वो टी के रिस्पेक्ट में दिया है, यानी कि टाइम में कितना रहेगा, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो। अगर टाइम जीरो है तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर सिस्टम का वैल्यू वहाँ पे हमें कितना मिलेगा, या फिर ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे होता है लिमिट्स टी टेंड्स टू जीरो F(T) अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया, तो इच इज इक्वल टू होता है, अगर ये टाइम डोमेन में होता है तो उसका फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या रहेगा, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम यहाँ पे जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो है, तो लाप्लास डोमेन में उसका हो जाएगा एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। और हम लोग कहते हैं एस मल्टीप्लाई बाय F(S). F(S) क्या होता है, F(S) होता है F(T) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और हम लोग इसको एस से है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये जो चीज है वो मत भूलना, इससे आंसर है वो बहुत बार मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स का, जिससे बहुत बार जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम में हम लोग टी इज इक्वल टू या फिर टी टेंस टू इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करेंगे, क्योंकि फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल के लिए हम लोग टी टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी F(T) इज इक्वल टू लिमिट, अभी यहाँ पे एस टेंस टू जीरो हो जाएगा, अगर टी में इन्फिनिटी सब्सिट्यूट किया तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में एस इज इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, ये अगेन हो जाएगा एस मल्टीप्लाई बाय F(S). ओके, दोनों जगह पे हम लोग एस से वो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो टी टेंस टू इन्फिनिटी और एस टेंस टू जीरो ये चीजें है वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है टाइम डोमेन में अगर हम लोगों ने एफ टेंस टू इन्फिनिटी सब्सिट्यूट किया, यानी कि ये यहाँ पे ऐसे कुछ हो जाएगा, एफ टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम लोगों ने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया तो हम लोगों को मिलेगा एस इंटू F(S), और जो लिमिट्स हमें मिलेगा वो लिमिट का वैल्यू रहेगा यहाँ पे एस टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे कितना है हम लोग देखते हैं, लिमिट्स एस टेंस टू जीरो एस इंटू F(S) करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ F(T) इज इक्वल टू e^-2t cos t इज। तो इसका हम लोगों को डायरेक्टली लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड पे, अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a t, लैपलास ट्रांसफॉर्म cos a t कितना होता है, ये होता है s/s² + a² ओके, और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e^-a t होता है 1/s + a। तो सबसे पहले हम लोग टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग कैसे होती है, कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से होती है, ये समझ लेंगे यहाँ पे, ताकि आगे जाके कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बहुत से लोगों को पता भी होगा लेकिन हम लोग एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। तो शिफ्टिंग में कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग एक एक करके जाएंगे। U(T) का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे होता है, U(T) का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा U(T),
कंट्रोल सिस्टम में हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो के बाद ही हमेशा हम कंसिडर करते हैं जो सिस्टम है वो वर्क हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो के बाद सिस्टम है वो कंसिडर करते हैं, जिसे हम लोग यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी सिस्टम के लिए। तो इसलिए अगर हम लोग सिर्फ यू ऑफ टी का अगर लैपलास लेंगे तो यू ऑफ टी का लैपलास कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय s। ओके, इसको अगर हम लोगों ने e टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ टी, ओके, यानी कि e टू द पावर ए टी से अगर हम लोगों ने यू ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय s प्लस a हमें मिलता है। यहाँ पे टाइम डोमेन में अगर हम लोगों ने ये फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, टाइम डोमेन में अगर हम लोगों ने e टू द पावर माइनस ए टी से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में प्लस ए का यहाँ पे शिफ्टिंग मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने यहाँ पे e टू द पावर प्लस ए टी से मल्टीप्लाई किया u ऑफ टी को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a। ओके, अगर टाइम डोमेन में माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लस ए से शिफ्टिंग होगा, और अगर टाइम डोमेन में प्लस ए से शिफ्टिंग किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में माइनस ए से शिफ्टिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग। लेकिन अगर हमें टाइम डोमेन में ही शिफ्टिंग चाहिए, फिर टाइम डोमेन में ही अगर हम लोगों ने शिफ्टिंग की तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वहाँ पे उस पर क्या असर होगा, कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा। अगर हम लोगों ने शिफ्टिंग किया यू इंटू द ब्रैकेट टी माइनस ए से, यानी कि माइनस ए से अगर हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्टिंग की तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू ऑफ टी माइनस ए। यू ऑफ टी का कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय s। अगर हम लोगों ने इसको माइनस ए से शिफ्टिंग की तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस ए एस से। ओके, ये जो फैक्टर है ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी डोमेन में। यहाँ पे एक गौर देने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस ए से शिफ्टिंग की है तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फैक्टर मिला है वो भी माइनस ए ही मिला है। सिमिलरली यहाँ पे अगर यू ऑफ टी प्लस ए अगर हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय s सेम रहेगा, क्योंकि यू ऑफ टी का रहेगा वो, और सिर्फ टाइम डोमेन में शिफ्टिंग करने की वजह से यहाँ पे हमें जो फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा e टू द पावर प्लस ए एस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्लस ए से यहाँ पे जो टाइम डोमेन में जो शिफ्टिंग है वो प्रोवाइड कर दी है, तो इसके वजह से यहाँ पे हमें जो फैक्टर मिलेगा वो प्लस ए एस मिलेगा। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई है। यहाँ पे टाइम डोमेन में अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए टी से तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में प्लस का शिफ्टिंग होगा, लेकिन टाइम डोमेन में अगर हम लोगों ने माइनस का ही शिफ्टिंग किया तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में ही माइनस का ही यहाँ पे हम लोगों को फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वहाँ पे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कैसे चीजें क्या पे होगी। तो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हम लोग लिख लेंगे एफ ऑफ एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस टी है और उसके साथ साथ ई टू द पावर माइनस टू टी, यानी कि हमेशा हमें यहाँ पे शिफ्टिंग है वो मिल जाएगी। e टू द पावर माइनस टू टी है, इसका मतलब हम लोग s की जगह पे यहाँ पे s प्लस टू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, क्योंकि e टू द पावर माइनस ए टी है तो s प्लस ए हम लोग ने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया था, तो इसके वजह से e टू द पावर माइनस ए टी के वजह से हम लोग यहाँ पे e टू द पावर माइनस टू टी के वजह से हम लोग s की जगह पे हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे, s की जगह पे हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे s प्लस टू। ओके, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है cos ए टी का, तो इसके मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूंगा, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1, ऐसा एक्चुअल में फॉर्मूला होना चाहिए कॉस टी का, लेकिन इसको टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे हमें मिलेगा s प्लस टू डिवाइडेड बाय s प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, s प्लस टू ये कंप्लीट ब्रैकेट को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा s के जगह पे s प्लस टू, तो इसलिए s प्लस टू द होल स्क्वायर हमें मिलेगा। ये हो जाएगा s प्लस टू डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा s प्लस टू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। ओके, ये जो हमारा आंसर है वो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है, ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल गिवन बिलो इज, तो यहाँ पे ये जो सिग्नल दिया है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम दोनों में हम लोग ये जो पढ़ते हैं, तो अभी हम लोगों ने जो देखा था शिफ्टिंग का, यहाँ पे ये बहुत ही यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिग्नल कैसे फॉर्मेशन हुआ है, तो हम लोग इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर तीन जो सिग्नल है उसका हम लोग एडिशन है वो इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जीरो से लेकर स्टार्ट हुआ है अप टू थ्री तक इसका जो वैल्यू है वो 4 ही है, यानी कि हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते कि ये कंटिन्यूस सिग्नल है, जिसे हम लोग कहेंगे 4u(t) करेक्ट, जो स्टार्ट हो रहा है जिसका वैल्यू है 4 और वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक 4 वैल्यू पे ही रहेगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 पे जाके यहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इस पर कुछ नया है वो स्लोप है वो ऐड हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं निगेटिव स्लोप है, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ निगेटिव स्लोप है वो मिलेगा एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 से लेके ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करो एक्सटेंड करके, ये 3 से लेके यहाँ पे चालू होगा निगेटिव की तरफ यहाँ पे जाएगा। ओके, इसका वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, इसका स्लोप कितना रहेगा, dy बाई dx, हम इसको स्लोप फाइंड आउट करेंगे, dy बाई dx चेंज कितना हो रहा है dy में, 4
फोर से लेके ये dx में कितना चेंज है, ये थ्री का, थ्री से लेके फाइव तक ये चेंज हो रहा है, और ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे फोर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर बाई टू यानी कि टू का यहाँ पे स्लोप रहेगा, तो इसका जो वैल्यू है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्लोप रहेगा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा माइनस टू टाइम्स ऑफ द आर ऑफ टी, क्योंकि ये रैंप है नेगेटिव की तरफ आ रहा है, हम लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं माइनस टू टाइम्स ऑफ द आर ऑफ टी माइनस थ्री। एक्चुअल में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये टी माइनस थ्री, क्योंकि ये टी इज इक्वल टू थ्री से स्टार्ट हो रहा है, ओके। आर ऑफ टी इसका स्लोप है एक्चुअल में, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टी इज इक्वल आर ऑफ टी माइनस थ्री से, तो कि यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग है वो प्रोवाइड कर दिए। अगर जीरो से स्टार्ट होता है ये स्लोप तो माइनस टू टाइम्स ऑफ द आर ऑफ टी आता, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्लोप है वो यहाँ पे जीरो हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूसली फाइव से लेके आगे तक सेम स्लोप नहीं हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं फाइव से बाद में इसका जो वैल्यू है वो जीरो ही है, इसका मतलब हम लोग ऐड और एक जो स्लोप है वो हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, जो स्टार्ट होगा वैल्यू फाइव से, ओके। यहाँ पे मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे ये फाइव वैल्यू से, टी इज इक्वल टू फाइव से ये स्लोप है वो स्टार्ट होगा, लेकिन अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे वो स्लोप है वो हमें मिलेगा। ऐसा क्यों होगा हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसका वैल्यू होगा प्लस टू आर ऑफ टी माइनस फाइव, ओके। माइनस फाइव यानी कि टाइम जीरो के बाद पाँच सेकंड के बाद हम लोग अगर इसको सेकंड में कंसिडर करेंगे तो फाइव सेकंड्स के बाद ये वो स्लोप है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये तीनों के तीनों को ऐड करेंगे तो हमें जो फाइनली वो स्लोप है वो उसका यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार चेक करेंगे जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो सही ड्रॉ किया है कि नहीं, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे हो गया थ्री, यहाँ पे हो जाएगा फाइव, फोर में भी हम लोग एक बार देख लेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने जो ड्रॉ किया है वो करेक्ट है कि नहीं, ओके। एंड उसके बाद एक बार सिक्स पे भी देख लेंगे, सिक्स सेकंड पे इसका जो वैल्यू है वो कितना हमें मिल रहा है, हम लोगों ने जो ड्रॉ किया है वो करेक्ट ड्रॉ किया है कि नहीं, ओके। तो जीरो से लेके थ्री तक जो इसका वैल्यू है वो फोर ही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जीरो ही है, यहाँ पे जीरो है, ओके। तो जीरो से लेके थ्री तक हमें जो वैल्यू है वो सेम मिलेगा, यानी कि फोर का वैल्यू, तो इतना पोर्शन तो करेक्ट हो गया। उसके बाद एग्जैक्टली थ्री पे देखेंगे, एग्जैक्टली थ्री पे इसका वैल्यू कितना है, फोर प्लस यहाँ पे है जीरो प्लस यहाँ पे है जीरो, यानी कि एग्जैक्टली वैल्यू इसका है वो हमें फोर मिलेगा। फोर पे हम लोग देखेंगे टाइम टी इज इक्वल टू फोर पे इसका वैल्यू कितना मिलेगा, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप है वो दो का चेंज है। अगर थ्री से लेके चार तक यहाँ पे इसका वैल्यू है वो कितने से कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो दो पे आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को स्लोप है वो दो से मिल रहा है, करेक्ट। दो का स्लोप है हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है एग्जैक्टली फोर पे, इसका वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है फोर, यहाँ पे इसका वैल्यू है दो का माइनस स्लोप है, यानी कि ये जो है माइनस टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस टू, और यहाँ पे इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ओके। सिर्फ सर्कल वाले हैं वही कंसिडर करना, तो जाएगा प्लस फोर माइनस टू प्लस जीरो, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एडिशन करेंगे तो प्लस टू, तो फोर पे हम लोगों का एग्जैक्ट वैल्यू है वो मिल गया है। फाइव पे देखेंगे, फाइव का भी इसका वैल्यू है फाइव पे, इसका वैल्यू मिल गया प्लस फोर, इसका वैल्यू फाइव पे मिलेगा हमें यहाँ पे माइनस फोर इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, और यहाँ पे हमें फाइव पे यहाँ पे देख सकते हो जो स्लोप है यहाँ पे जीरो ही है, तो इसलिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये जीरो, करेक्ट। तो फाइव पे एग्जैक्ट फाइव पे कितना मिलेगा, प्लस फोर माइनस फोर एंड जीरो, तो इसका वैल्यू हम लोगों को फाइव पे जीरो मिल रहा है, करेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग सिक्स पे भी एक बार चेक कर लेंगे तो सिक्स पे इसका वैल्यू हमें हमेशा मिलेगा फोर, उसके बाद एग्जैक्टली टाइम टी इज इक्वल टू सिक्स सेकेंड पे हमें इसका जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस सिक्स मिलेगा, जो निगेटिव स्लोप है उसका, और पॉजिटिव स्लोप में इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा वो प्लस टू, क्योंकि प्लस स्लोप में चेंज हो रहा है, एक सेकेंड पे अगर हम लोगों ने इंक्रीज किया टाइम तो स्लोप का वैल्यू वो प्लस टू से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर एडिशन करेंगे तो हो जाएगा प्लस फोर माइनस सिक्स, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस टू एंड अगेन प्लस टू, तो यानी कि अगर एग्जैक्टली सिक्स इंस्टेंट पे हम लोग चेक करेंगे टाइम टी इज इक्वल टू सिक्स पे तो इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। कंटिन्यूसली हम लोग आगे चेक करते जाएंगे तो ये प्लस टू माइनस टू से डिक्रीज हो जाएगा और ये प्लस टू से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो फोर है वो कंसिस्टेंटली रहेगा। तो अगर हम लोग सभी का सभी एडिशन करेंगे तभी इसका जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा जीरो फॉर थ्रू आउट द टाइम। तो हम लोगों ने ये जो स्लोप्स है वो ड्रॉ किया है वो करेक्ट है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो एग्जैक्टली एफ ऑफ टी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ टी का इन टर्म्स ऑफ अभी ये जो स्लोप ड्रॉ किया है तो हमें मिलेगा फोर टाइम्स ऑफ द यू ऑफ टी, करेक्ट, ये जो स्लोप है प्लस हम लोगों ने ये जो निगेटिव स्लोप है इसका हम लोगों ने एडिशन किया प्लस इसका कितना है माइनस टू ऑफ आर ऑफ टी माइनस थ्री, क्योंकि ये माइनस थ्री से हम लोगों ने चालू किया इसलिए माइनस थ्री आएगा शिफ्टिंग, एंड प्लस टू इंटू आर ऑफ टी माइनस फाइव। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं, एक बार मैं वापस एक बार लिख लूंगा एफ ऑफ टी का कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा फोर इंटू यू ऑफ टी माइनस टू इंटू द ब्रैकेट आर ऑफ टी माइनस थ्री प्लस टू इंटू द ब्रैकेट आर ऑफ टी माइनस फाइव, शिफ्टिंग की वजह से माइनस थ्री एंड माइनस फाइव यहाँ पे आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू ऑफ टी का कितना आता है वन डिवाइडेड बाय एस, यानी कि ये हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाय एस माइनस
टू हमें न्यूमरेटर में मिलेगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में आर ऑफ टी का कितना होता है, आर ऑफ टी हम लोग आर ऑफ टी जिसे हम लोग कह सकते हैं आर ऑफ टी का होता है स्लोप, जिसको हम लोग कहते हैं रैंप होता है, इसका होता है वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। ओके, वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये टाइम शिफ्टिंग किया है यहाँ पे, करेक्ट, माइनस थ्री का। तो अभी मैंने कहा था कि टाइम में अगर जो सेम शिफ्टिंग रहेगा, एक बार देख लेते, टाइम में अगर सेम शिफ्टिंग रहेगा टी माइनस ए है तो ई टू द पावर माइनस ए ऐसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे माइनस थ्री से यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ है तो ई टू द पावर माइनस थ्री एस से हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, प्लस सेम यहाँ पे हो जाएगा टू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, लेकिन जो फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है वो है यहाँ पे माइनस फाइव से शिफ्टिंग किया है, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस फाइव एस। तो इसीलिए हम लोगों ने शिफ्टिंग का जो पैरामीटर है कैसे होता है टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आई गेस ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, फोर डिवाइडेड बाय एस माइनस टू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस थ्री एस प्लस टू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस फाइव एस। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आ गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ सिग्नल मिला तो आपको ये कंप्लीट सिग्नल को पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है, कहाँ पे स्लोप आ जाएगा, कहाँ पे स्लोप एडिशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम हैविंग अ ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, यहाँ पे इन्होंने दिया है विल बी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है वन प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू जीरो। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बहुत ही आसान है, ये हम लोगों को मिलता है डिनोमिनेटर में ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे, ओके, बहुत ही आसान सा, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी। यानी कि हम लोगों को सिर्फ इसका ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू होगा फाइंड आउट करना है, क्या होता है पी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल, ये होता है मेसन्स गेन फॉर्मूला समेशन ऑफ, ओके, यानी कि जितने नंबर ऑफ के इज इक्वल टू वन से लेके अप टू एन तक जिसका वैल्यू रहेगा फॉरवर्ड पाथ उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ हम लोगों को दिखेगा, ये देखो यहाँ से लेके चालू होगा आर ऑफ एस से सी ऑफ एस तक स्ट्रेट चला जाएगा, यहाँ पे वन बाय एस मल्टीप्लाई बाय वन बाय एस मल्टीप्लाई बाय वन बाय एस, तो हम लोगों को पी वन का वैल्यू मिलेगा वन डिवाइडेड बाय एस क्यूब। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ भी हम लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पे आर ऑफ एस से हम लोग एस से जाएंगे ऊपर की तरफ, ये फॉरवर्ड पाथ ही है और ये हो जाएगा सी ऑफ एस से कम्प्लीट। तो हम लोगों को पी टू का जो वैल्यू है वो मिलेगा, पी टू का वैल्यू वो मिलेगा वन डिवाइडेड बाय एस। लूप्स लेंगे, एल वन का वैल्यू हम लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे, ये एक लूप है, ओके, वन डिवाइडेड बाय एस वन डिवाइडेड बाय एस और ये माइनस वन, तो यहाँ पे जो एक लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। दूसरा लूप है ये हो जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन बाय एस और ये पर्टिकुलर जो लूप है वो सेकंड लूप हो जाएगा, ये हो जाएगा लूप टू का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। और एक लूप हम लोगों को यहाँ पे है फॉरवर्ड पाथ में हम लोगों को दिखाई देगा, ये हो जाएगा एस से वन डिवाइडेड बाय एस माइनस वन से यहाँ पे चला आएगा, उसके बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये वापस से एक बार यहाँ से कंप्लीट कर जाएगा, ओके। शायद आपको समझ में नहीं आ जाएगा एग्जाम के प्रेशर में, लेकिन ये देखो यहाँ पे भी एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ये वापस यहाँ पे फीडबैक से आ जाएगा, फिर फॉरवर्ड पाथ में चला जाएगा और अगेन यहाँ पे ये फीडबैक पाथ से जो लूप है वो कंप्लीट करेगा। यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर नोड पे हम लोग वापस टच नहीं करेंगे, तो इसलिए ये वैलिड लूप यहाँ पे हो जाएगा, ओके। ये ध्यान से देखना, आपको एग्जाम में ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वन बाय एस माइनस वन बाय एस माइनस वन बाय एस स्क्वायर एंड प्लस वन बाय एस स्क्वायर, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस वन बाय एस स्क्वायर। डेल वन का वैल्यू कितना मिलेगा, सभी जो टच कर रहे हैं सभी जो लूप है वो फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो डेल वन का वैल्यू वन हो जाएगा। डेल टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब सेकंड फॉरवर्ड पाथ को भी सभी लूप है वो टच कर रहे हैं, तो डेल टू का वैल्यू भी यहाँ पे वन हो जाएगा, ओके। हम लोग डेल का वैल्यू देखते हैं, डेल का वैल्यू कितना होता है, वन माइनस इंडिविजुअल लूप्स लेंगे, इंडिविजुअल लूप कितना है एल वन का वैल्यू, उसके बाद एल टू का वैल्यू और एल थ्री का वैल्यू, ये हो जाएगा प्लस वन बाय एस स्क्वायर। अगर कोई भी टू नॉन टचिंग लूप्स है क्या, नहीं, सभी लूप्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो फैक्टर्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ये फैक्टर कैंसल आउट हो जाएंगे, हमें मिलेगा वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, करेक्ट। तो पी के डेल के का वैल्यू हम लोगों को इतना मिलेगा, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हमें मिलेगा पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाय टोटल डेल, ये कितना हो जाएगा, पी वन का वैल्यू कितना है वन डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाय एस होल डिवाइडेड बाय वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ओके। सॉल्व करेंगे हम लोगों को कितना मिलेगा,
ये हो जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। ओके, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसमें से 1 डिवाइडेड बाय एस क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एस स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर टर्म से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय एस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो इतना सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ चीज़ें अगर आप भूल गए होंगे, नए से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना। और आपको नया टॉपिक कौन सा चाहिए, अगर आपको और कुछ टॉपिक चाहिए रहेंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं पोल भी अपलोड करूंगा एक दो दिन में कम्युनिटी टैब में, वहाँ पे भी आप जाके वोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स और शायद अगर क्वेश्चंस मिले कंट्रोल के, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके दो तीन लेक्चर्स हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी और टॉपिक चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। Yeah.